तो आज की हमारी उस क्लास में हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग के ऊपर, डेटा सॉर्ट। हम जानते हैं कि डेटा को सॉर्ट करना नॉर्मली तो चीज जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम बात करते हैं थोड़ी सी रिपोर्ट्स और थोड़ी सी आउटपुट के में, तो इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई लिस्ट लगाना है, अगर उस लिस्ट को अगर आपने एक सिक्वेंस में अरेंज नहीं किया तो सामने वाले पर्सन को देखने में काफी दिक्कत होगी। जैसे आप ही मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने कुछ विनर कुछ लिस्ट कुछ मान लीजिए कि ट्रांसफर्स के लिस्ट लगाए हैं, तो उस लिस्ट में अगर आपका अल्फाबेटिक है या आपके इम्प्लॉय आईडी डी अकॉर्ड, अगर इम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस में है तो यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली बहुत लोगों की इम्प्लॉय आईडी सीक्वेंस में नहीं होती है तो इसका तो छोड़ ही दीजिए। तो अल्फाबेटिक अगर है तो आप जो है अखिलेश जी आपका ए से स्टार्ट होता है तो आप जाके ए और के वाले सीरीज में जाके देखेंगे और अपना नाम लेंगे। अगर लिस्टेड नेम लिस्ट जो है सीक्वेंस में नहीं है, किसी अल्फाबेट या किसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सॉर्टेड नहीं है, तो फिर आपको पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा। मैं जब तक आपका नाम नहीं आ जाता है तब तक लिस्ट को देखना पड़ेगा। तो वहां पे हम सॉर्टिंग का इस्तेमाल अच्छा बड़ी आसानी से करते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ग्रांड टोटल दिया हुआ है, अब मुझे इसमें से टॉप 5 को निकालना है। अब टॉप 5 निकालने के लिए और चीज करें उससे अच्छा है कि मैं यहीं पे शॉर्ट कर लूं, शॉर्ट ए टू जेड, जेड जेड टू ए। तो जेड टू ए कर दूंगा तो हाईएस्ट ऊपर आ जाएगा, मैं यहां से 5 को उठा लूंगा। क्या टू सॉर्टिंग इसके लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं कि सॉर्ट करने के लिए डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी है या नहीं है। तो सॉर्ट करने के लिए डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी तब होता है जब आपका कोई पूरा का पूरा रो ब्लैंक हो। अगर पूरा रो अगर ब्लैंक है तो डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिना डेटा सिलेक्ट किए आपका नहीं होगा। ठीक है सर। इसलिए आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मुझे शॉर्ट 2 कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, जैसे कि नेम और सिटी। उस केस में हम देखिए, अगर किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना हो तो उसके ऊपर आप कर्सर रखें और यहां से ए टू जेड और जेड टू ए को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट मल्टीपल कॉलम के अकॉर्डिंग करना है तो आपको यहां से कस्टम शॉर्ट इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, कस्टम शॉर्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पे आप सबसे पहला अपना जो है मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, नेम एट लेवल, मैंने यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लिया एंड यहां मैं कर देता हूँ ए टू जेड बी। तो आपका नेम उसके अगेंस्ट में आपका मंथ सिलेक्ट हो, सिटी से आपका होगी। अब डेटा में अगर मंथ हुआ तब क्या होगा? डेटा में अगर मंथ हुआ तो मान लीजिए लास्ट में मंथ का एक नया डेटा ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे मंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो कस्टम सॉर्ट पे जाता हूं और यहां से मंथ को सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर अल्फाबेटिक सॉर्ट करेंगे तो दिक्कत होगा, अप्रैल पहले आएगा, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा दिसंबर, सेकेंडरी अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं हो रहा है ना सर। यहां पे हम क्या करेंगे सॉर्ट में, यहां हम जाते हैं कस्टम सॉर्ट, और कस्टम सॉर्ट में मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा कस्टम लिस्ट। इसमें हम जो जैन फाइव है उसको सिलेक्ट करके एंड ओके कर देते हैं। जी सर।
तो कस्टम लिस्ट आप अपने यहाँ भी कर सकते हो कि मुझे अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो आपको यहाँ एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में यहाँ आपके एडवांस के अंदर में एडिट कस्टम लिस्ट होगा, इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ऐड कर रखा है, मैंने इसमें देखा आपने, ये अप्रैल टू मार्च जाता है, तो से आप नाम वगैरह ऐड कर लें और उसको आप शॉर्ट करते समय, कस्टम शॉर्ट करते समय सिलेक्ट कर लेंगे। ये लिस्ट कितना लंबा बन सकता है ये? अच्छा 256। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि शॉर्ट क्या कलर के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ कलर पे हाईलाइट कर रखे हैं, तो हाईलाइट किया हुआ कलर सबसे टॉप या बॉटम में आना चाहिए, तो कस्टम शॉर्ट पे आप यहाँ, अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है जैन, और ये सेल वैल्यू के जगह पे हम सेल कलर पे जाते हैं और यहां से हम सेल कलर को चूज करते हैं। ठीक है, ओके सर, एंड ओके करते हैं, सारे कलर फॉर्मेटेड कलर आपके टॉप पे आ जाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स इस्तेमाल अगर कर रखे हैं, जैसे मैंने आइकन इस्तेमाल कर दिया और तो मैं टिक वाला सबसे ऊपर लाना चाहता हूं, तो यहां आप आएंगे कस्टम शॉट और यहां मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपना फैड, सेल कलर के जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन को सिलेक्ट करूंगा और यहां से हम आइकन को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो जितने भी आइकन्स हैं सबसे ऊपर आ ओके। जाए। राइट सर, हाँ सर, उसके बाद एक चीज और आता है कि अगर आप शॉर्ट करते हो तो कस्टम शॉर्ट करते समय यहां पे दो चीज होती है, अगर इस पे क्लिक ना हो तो यहां पे एबीसीडी दिखेगा आपको, तो कभी इस तरह से एबीसी देखे तो आप यहां समझ लेना है कि माय डेटा हैज ए हेडर, यहां से अनचेक हो गया है, चेक कीजिए आ जाएगा। दूसरा ऑप्शंस पे आते हैं तो यहाँ पे आता है केस सेंसिटिव। अभी क्या होता है कि अगर आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर है तो उसको फर्क नहीं करेगा, दोनों को मिक्सअप कर देगा। जैसे केस सेंसिटिव पे क्लिक करेंगे, कैपिटल लेटर वाले को अलग रखेगा, स्मॉल लेटर वाले को अलग रखेगा। ठीक है, क्लियर है, यस। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और भी है ऑप्शंस में, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, तो मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जैन फैब जो है सिलेक्ट कर, मैं मंथ ले लिया और यहाँ पे सेल्स ले लिया और यहाँ पे अब मुझे जो शॉर्ट करना है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट शॉर्ट करना, तो यहां कस्टम शॉर्ट में आपको मिलेगा ऑप्शंस, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेकिन रो के हिसाब से शॉर्ट करना पड़ेगा आपको। तो क्लियर है, यस सर। अब